ढाक बजा रहे हैं, तब तक फिर सब तक छक को चैन नहीं पड़ा। तब छक बोले क्या कर रहे हो? बोले ढाक बजा रहे हैं। बोले गुरु जी कहाँ है? बोले धरती में। बाहर निकालो। बोले मर जाएंगे गुरु जी को, और 3 महीने तक रखोगे। आज गुरु जी को बाहर निकाला तो गुरु जी कहने लगे बेटा अब हम नहीं बचेंगे। बोले क्यों? बोले अब तो तुमने मुझे बाहर निकाल लिया, इसलिए अब नहीं मेरे प्राण। और सुनो, मैं मर जाए तो तुम लोग मुझे काट काट करके हड्डियों पे चढ़ा लेना और मेरे मांस को खा लेना। मांस के खाने से मालूम है लोग का होगा। सुनो, अरे आज गुरु को मांस को काटा, हड्डियों पे चढ़ा लिया, और जैसे ही मांस खाने को हुए तो फिर से तच्छक आ गया। बोले गुरु के मांस को खाओगे तो मैं स्वर्ग में या नरक में जगह भी नहीं मिलेगी। समझ गए हो ना? आज वो हड्डियां बंगाले में बहा दी हैं। इधर जब हम बहा दी है तो एक पत्नी लूट करके अपने पति से आई, उसने सारे विष को खा लिया। आज वो वहां की परी बन गई, जो रात में दिखाई पड़ती है ना, हम लोग कहते हैं परी, उसी को कहते हैं। ऐसा ही नहीं, कैसी परी बनी? अरे कछुआ तू है।